भाइयों, मेरा नाम अशोक खुराना है। मेरा बिजनेस ट्रक ट्रांसपोर्ट का है। आज जब टैक्स का दौर चल रहा है, बिजनेसमैन टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स, तो आज हम इनकम टैक्स भरने के लिए मैं अपने सीए साहब के पास गया, तो उन्होंने मुझे बताया कि टैक्स जो है गाड़ी के ऊपर, 28 टन की गाड़ी के ऊपर 28,000 रुपया पर मंथ का इन्होंने वो लगा दिया, भाई इनकम गिन लिया, भाई 28,000 रुपया मंथली इनकम है। तो मेरे को कुछ अजीब सा लगा, जब 28 टन की गाड़ी है तो उसमें गाड़ी का वेट तो 10 टन है, तो 18 टन गाड़ी को लोड मिलता है, तो हमें जो उसकी इनकम होती है वो 18 टन से होती है। अब वो सीए साहब हमारे कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट की वेबसाइट में आया हुआ है जी, आप 28 टन का लो, तो ये 10 टन का हम कहाँ से फालतू देंगे, इतनी ट्रकों को तो इनकम भी नहीं है। तो मेरा अनुरोध है भाई, जिनको भी मालूम है ये आगे मालूम करो, ये रिटर्न कैसे भरी जाए, क्योंकि गाड़ियों का वेट जो है, हमें लोड मिलता है 28 टन नहीं मिलता, 18 टन मिलता है, 28 टन टोटल गाड़ी का वेट होता है माल समेत, तो जितना गाड़ी को वेट मिलता है उतना ही टैक्स लिया जाए ना। चलो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, आप क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के अपने रूल हैं, हम उस रूल को फॉलो करेंगे बिल्कुल, लेकिन वो हम टैक्स भी देंगे, लेकिन टैक्स तो तरीके से हो ना, झटके तरीके से ना हो जी, ये 28 टन की गाड़ी है जी, 28 टन का 28,000 रुपये मंथली यार आपकी इनकम हो गई। मैं कहा 28,000 मंथली इनकम नहीं है, हमें जो है वो 18 टन के हिसाब से लगाना चाहिए। तो मैं एक समझना चाहता हूँ, और लोगों को भी, अपने ट्रांसपोर्ट भाई जो सब इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, ताकि गवर्नमेंट को पता लगे, गवर्नमेंट हमें गाइडलाइन दे, भाई ये टैक्स किस चीज़ पे लगाया, 28 टन पे लगाया, 18 टन पे लगाया, कैसे भरना है कुछ पता नहीं, किसी सीए को भी नहीं मालूम, 10 सीए से मैं पूछ चुका हूँ भाई ये कैसे रिटर्न भरनी है हमें, लेकिन सब कहते हैं जी जितने टन की गाड़ी है उतने टन पर टैक्स है। तो ऐसा तो कभी किसी जगह पर भी नहीं हुआ, अगर 28 टन की गाड़ी है तो उसको लोड 18 टन मिलता है, तो टैक्स 18 टन का गवर्नमेंट को लेना चाहिए। तो थैंक यू भाई साहब, ये गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आगे इसको करो, आगे गवर्नमेंट को भी पता लगे भाई हम लोग क्या चाहते हैं, हमारी क्या डिमांड है।